आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप लोग सोडियम को डाल सकते हो अपने पजामा लॉन्चर के अंदर। क्योंकि जब मैं दूसरों की वीडियो देख रहा था, मैंने देखा सब लोग वाली मोड्स दे देते हैं, सोडियम देते हैं, बट कोई इंस्टॉल करने का तरीका नहीं बताता एंड काफी लोग कंफ्यूज है हम कैसे इंस्टॉल करें, काफी लोगों की दिक्कत भी आती है। तो तुम्हारा भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते तो आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते का? सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और फटाफट से 150 सब्सक्राइबर करा दो यार। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में एक फाइल मिल जाएगी, मीडिया फायर का लिंक है, आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करना, आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी। एंड देन गाइस अब क्या करना है, आपको ना इस फाइल के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, इसको ना गाइस आप लोग एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना, तो आपके सामने एक नई फाइल निकल के आ जाएगी सोडियम मोड करके। एंड यहाँ पर गाइस आपको कुछ वर्जन शो होते होंगे जैसे कि 1.16.5, 1.7.1, 1.18.2, 1.19.2। तो यहाँ पर चार वर्जन दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको 1.16.5 इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, बाकी आप लोग बिल्कुल सेम तरीका है बाकी का इंस्टॉल करने का भी। तो अभी आपको 1.16.5 पे एक बार क्लिक करना है, इसको आप लोग एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना, आपके सामने एक डॉट माइनक्राफ्ट की फाइल आ जाएगी। अभी क्या करना है, अभी गाइस आपको एंड्रॉइड में जाना है, डाटा में जाना है, डाटा में जाने के बाद आप लोग पजाम लॉन्चर की फाइल ढूंढ लेना, एंड देन पजाम लॉन्चर की फाइल पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको डॉट माइनक्राफ्ट शो होता होगा, काफी लोग अगर शो ना हो तो आप 3 डॉट पे क्लिक करना, एंड सेटिंग में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर जाना फाइल लिस्ट में, और यहाँ से गाइस आप लोग शो हाइड एंड फाइंड को ऑन कर देना, तो गाइस आपका यहाँ पर डॉट माइनक्राफ्ट की फाइल शो होने लगेगी, आपको इसमें जाना है। एंड अभी गाइस आपको डॉट माइनक्राफ्ट वाली फाइल को ओपन कर लेना है। तो गाइस अभी आपके यहाँ पर कॉन्फिग को सिलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद में गाइस आप लोग अगर मोड सीखता होगा इसको सिलेक्ट कर लेना, और ओपन टीएक्सटी को सिलेक्ट करने के बाद इनको आपको लॉन्ग प्रेस करके एंड देन इनको डिलीट कर देना गाइस यहाँ से। तो अभी गाइस क्या करना, अभी आपने जहाँ पर 1.16.5 के मोड एक्सट्रैक्ट किए थे ना वहाँ पर जाना है, एंड इनको सबको कॉपी कर लेना, जो भी आपने हमने 3 एक्सट्रैक्ट किए थे ना, एंड कॉपी करने के बाद आपको जाना है स्टोरेज में, स्टोरेज में जाने के बाद आपको डाटा में जाना है, डाटा में जाने के बाद आपको पजाम लॉन्चर ढूंढ लेना है, पजाम लॉन्चर में आने के बाद आपको डॉट माइनक्राफ्ट में आके इनको पेस्ट कर देना, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है मेरे तरह। तो हमारा 70% काम तो कंप्लीट हो चुका है, बचा है बस 30% काम, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज से, एंड यार फटाफट से 150 सब्सक्राइबर करा दो यार। तो अभी मैं आ चुके हैं पजाम लॉन्चर के अंदर, आपको क्लिक करना है एक्सक्यूट ए डॉट जार पे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप लोग अपने फाइल के अंदर पहुंच जाओगे। एंड यहाँ पर गाइस आपको फैब्रिक इंस्टॉलर ढूंढ लेना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना, एंड इस पे गाइस आपको क्लिक कर देना, आपको यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर देना है, एंड देन आपको यहाँ पर माउस इनेबल कर लेना है। माउस इनेबल करने के बाद आपके यहाँ माइंड का वर्जन शो होता होगा, इस पे क्लिक करके आपको 1.16.5 सिलेक्ट कर लेना है ढूंढ के। तो अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया वर्जन, एंड देन आपको यहाँ पर स्टोर पे क्लिक कर देना, आपका बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड लेगा, एंड देन आपके यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा इंस्टॉल्ड। तो जैसे कि भी यहाँ पर लिख के आ चुका है ओके पे आपको क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक करने के बाद फोर्स क्लोज पे क्लिक कर देना, आपका गेम बैक हो जाएगा। एंड देन अभी गाइस आपको इस एरो पे क्लिक करना है, यहाँ से गाइस फैब्रिक लोडर को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस अभी आपको पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके सबसे नीचे आना है, यहाँ पर गाइस आपको रेंडरर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से गाइस आप लोग होली सिलेक्ट कर देना, होली सिलेक्ट करने के बाद जावा रन टाइम को कर देना है 17, एंड इसके बाद में गाइस आप लोग सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा रहने देना। तो आप जब प्ले पे क्लिक करोगे ना, इसमें 300 MB या 400 MB की फाइल डाउनलोड होगी, उसको होने देना, जैसे वो फाइल डाउनलोड होगी आपका गेम ना ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो मैंने तो गाइस पहले डाउनलोड कर ली थी, इसकी वजह से गाइस मेरा एकदम गेम ऑन हो गया। ओके सो फाइनली अपना गेम ऑन हो चुका है, नीचे गाइस फैब्रिक मोडेड लिख के आ गया, इसका मतलब गाइस मोड्स और फैब्रिक दोनों डाउनलोड हो चुके हैं इसके अंदर। तो अभी ऑप्शन में चल के मैं आपको दिखा देता हूँ सोडियम रिलोड हुआ है नहीं हुआ। देखो गाइस हमारा सोडियम आ चुका है, एंड सब कुछ गाइस हमारा ऑन हो चुका है, एंड गाइस आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, पहले से गाइस पूरा लो सेटिंग होता है, आपको कुछ भी छेड़ने का जरूरत नहीं है, जैसा है सब कुछ वैसा ही रहने देना। तो भाई ये वर्ल्ड की लोडिंग टाइम है, मैं कोई वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा, जैसा है गाइस वैसा दिखा रहा हूं, एंड भाई लोड भी नहीं हुआ, एंड एकदम गेम चालू हो गया, देख रहे हो कितना स्पीड में गेम चालू होता है। एंड ये मेरे FPS आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो यहां पर मेरे 120, 130, 140, 155 ऐसा 150+ FPS आ रहे हैं, काफी अच्छे FPS हैं। बट अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके आपको 2-3 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मतलब मेरे 250+ FPS आ रहे हैं भाई रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद। तो गाइस आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना कितने FPS है मेरे, मतलब 270+ FPS आ रखे हैं गाइस। तो गाइस आप लोगों ने देखा सोडियम इंस्टॉल करना कितना इजी होता है, आप लोग तो फालतू में टेंशन लेते हो कि इतना मेहनत लगेगा उतना लगेगा, कुछ मेहनत नहीं लगता, एकदम हो जाता है, एंड भाई वर्क भी करता है। और हाँ गाइस जिन जिन का तगड़े तरीके से वर्क करके ना कमेंट में जरूर बताना, ताकि और लोग भी जान पाए कि हाँ ये वर्क कर रहा है, एंड वीडियो को लाइक भी करना। अगर गाइस आपको वर्क करना तो प्रॉमिस करो मेरे से कि आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ वर्क कर रहा है। और गाइस 270 FPS बहुत होते हैं गाइस, 270 FPS आप बहुत अच्छा स्मूथ गेम प्ले कर पाओगे, एंड इससे ज्यादा FPS आप क्या ही करोगे लेके। सो बेटर आर्मी मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, एंड कोई भी अच्छा टॉपिक हो तो मेरे को कमेंट में जरूर से बता के जाना। गुड बाय।